हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस बहुत दिन बाद ये तीन चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं, वो भी एक चैनल पे। मतलब होता क्या था कि कभी सिद्धार्थ पटेल वाले पे संदीप और मैं दिखते थे, कभी ट्रैवल टू पे मैं और उमर दिखते थे। तो ये तीनों चेहरे जो है आपको एक चैनल पे नजर नहीं आ रहे थे, बट आज भाई लकीली हम तीनों लोग एक ही चैनल पे हैं। रीजन है आने का ना, लालच मिली हम लोग को भाई कुछ खर्चा करेंगे इसीलिए। अरे भाई साहब तो बाबा माहौल का मजा लीजिए। अभी संगम चलते हैं आपको और वहाँ पे दर्शन, मतलब दर्शन क्या, वहाँ पे हम नज़ारे दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। और श्री बड़े हनुमान जी का बैनर भी पीछे लगा है, क्योंकि जस्ट पीछे ही मंदिर भी है श्री बड़े हनुमान जी की, और उसके जस्ट पीछे किला भी है। किला भी है, किले की वीडियोज आपने देखी है, सारी वीडियोज मैंने आपको, हम लोग ने पहले ही आपको सारी चीज़ दिखाई है। बस कुछ महीने इंतजार और कर लो, फिर ऐसी वीडियोज आने वाली ट्रेवल टू पे ना भाई साहब, हौकाल मचा देंगे भाई। फारू वीडियो आने वाली है, आप लोग भी चार्ज हो जाएंगे ना हम लोग के साथ। और चैनल सिद्धार्थ पटेल वाले चैनल पे भी रेगुलर वीडियोस आ रही है, मतलब हर दो दिन पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो उस पर आप लोग देखते रहिए वीडियो। भाई के बाकी से संगम आए हैं और देखते हैं संगम में क्या माहौल है। आराम से चलाइए, आराम से चलाइए भाई। 4-5 महीने बाद बाइक मिली है यार, तो आराम से चलाएंगे भाई। 4-5 महीने बाद बाइक मिली है तो उड़ा देंगे क्या, सोच रहा हूँ। तो बाबा देखते हैं क्या माहौल है संगम में, और आपको भी दिखाते हैं क्या माहौल है। तो अभी भी भीड़ भाड़ दिख रहा है कुछ थोड़ा बहुत, लगभग पूरा मांग मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी पैकअप हो रहा है पैकअप। और बहुत बढ़िया दृश्य है, आप देख ही रहे हैं, मस्त लग रहा है पूजन वाला का, मंदिर का लगी मजा नजर आ रहा है। और इधर आपको अभी गंगा आरती हम दिखाने की कोशिश करते हैं। गंगा आरती लगभग लगभग खत्म हो गई है, गाड़ी आप संगम आए हैं और इधर माहौल आप देख सकते हैं। बहुत दिन बाद हम दोनों दिख रहे हैं, बहुत समय बाद आए हैं। माहौल जो बहुत तगड़ा है आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे शाम टाइम कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है यहाँ पे, गंगा आरती हो रही है, हर शाम को गंगा आरती होती है यहाँ पे, और काफी भव्य तरीके से गंगा आरती की जाती है। तो जो लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो डेली, वो आगे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा लोग आते हैं, मतलब सोच नहीं सकते लोग आते हैं। और जल्दी मतलब माहौल, बनारस वाला माहौल यहाँ कब क्रिएट होगा भाई, गंगा आरती जिस तरह होती है। और बहुत दिन बाद भाई कहाँ थे भाई, आपके दिनों में था यार, नहीं आ रहा था वीडियो में, कोई बात नहीं है, अब से रेगुलर आने वाला भाई। ट्रैवल टू बहुत मिस कर रहे थे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अपने ट्रैवल टू वाले, सब बहुत मिस कर रहे थे, कह रहे थे, पूछ रहे थे उमर भाई कहाँ, सब गायब हो गए भाई तुम लोग। गायब हो यार, आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन करने वाला हूं, तो फिर अभी समय लगता है भाई। उमर भाई और स्मार्ट लग रहे हैं एकदम, देख ही रहे हो गया हूं। एनीस बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ, संदीप भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद लेने गए तो मिला ही नहीं। अरे बहुत दुख हुआ, नहीं बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ। गाइस टीका वगैरह लगाया है और अभी प्रसाद लिया हमने, और अभी संदीप को प्रसाद नहीं मिला था और उमर को भी प्रसाद नहीं मिला था, तो इन दोनों को प्रसाद दे दिया जाए भाई, और चलते भी देखते हैं क्या सीन है उधर। प्रसाद दीजिए तो संदीप भाई, अभी आपको प्रसाद मिला कि नहीं मिला? मिल गया, खुश है कि नहीं? बहुत कम मिला। चंदन देखो, चंदन भी मैंने लगा लिया, लग रहा है मैं पूजा करके आ रहा हूँ भाई। ये पूजा ही नहीं, बहुत बड़ा पुजारी भी है। अरे भाई भाई धन्यवाद, बिना नहाए भी पूजा करता है ये भाई। हमने आपको दिख रहा होगा शास्त्री ब्रिज, और रात को भाई साहब एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, मतलब एकदम कलरफुल लाइट्स जला दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत मस्त लगता है। देख ही रहे हो यार कितना ज़बरदस्त लुक है। तो अभी ले चलते हैं आपको संगम की तरफ और वहाँ का ही माहौल को दिखाते हैं ये। और आप इधर देख सकते हैं भाई साहब, रात को जो नौलखा मंदिर है ये सामने नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं हम लोग एक बाइक राइड पे हैं, ट्रिपलिंग किए हैं, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, बाद में कोई कमेंट मत करना, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद मिले थे और सीन ऐसा हुआ, अचानक से प्लान बना, मैं संदीप पैदल ही आए थे,
तो अचानक प्लान बना इसलिए हमें ट्रिपलिंग करनी पड़ी। तो भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई ये बस बोल दे रहा है, कमेंट मत करना यार वरना हमारा दिल टूट जाएगा। ये नाजुक दिल इसको अब संभाले संभलता नहीं है। क्या बात है, देख रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है, पैकअप हो रहा है, लगभग लगभग सारा सामान जा रहा है। माघ मेला समाप्त हो चुका है 18 तारीख को ही, और अब कुछ दिनों में ही मतलब यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा, एक रेत ही रेत होगी और बहुत ही शांति होगी। तो गाइस यहाँ पे परेड ग्राउंड में एकदम जबरदस्त वाला मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, और देख रहे हो पूरा इंटरनेशनल तरीके से मैच हो रहा है भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है। डीएम एसडीएम सर लोग सब लोग आए हुए हैं इस समय यहाँ पे, और इतना मस्त तरीके से मतलब चल रहा है मैच, आप देख रहे हो खुद ही अंपायर और इतने ज़्यादा लोग देखने आए हैं फिर मैच यार।